लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एनडीए कार्यकर्ताओं की श्रावणी मेला को लेकर अजगिविनाथ गंगा घाट पर अपने शौचालय चापाकल पानी टंकी का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीण चापाकल खराब एवं पानी टंकी से दुर्गंध पानी आने की शिकायत मंत्री से करने लगे, जिसके बाद मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को डांट फटकार लगाकर श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मीडिया को बताया कि कांवरियों को बेहतर सुविधा देने के लिए विभाग के द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है। श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारियां कर ली जाएगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, भाजपा नेता मृणाल शेखर, विकास कुमार कर्ण सहित एनडीए कार्यकर्ता एवं विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। लगता है कि तैयारी जोर शोर से विभाग का चल रहा है। आप देख रहे हैं कि शौचालय वगैरह है, यूरिनल है, इन सब का साफ सफाई बड़े स्तर पर किया जा रहा है। पानी पीने का किल्लत ना हो, मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको पानी पीने का किल्लत ना हो, पानी पीना हो, पानी ले जाना हो धोकर के, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। उसके लिए हम लोग विजिट करने आए हैं और जो भी बेहतर काम का जरूरत पड़ेगा हम लोग और काम यहाँ से लेकर कभी देवघर तक जाएंगे और जहाँ तक हमारा पार्ट पड़ता है बिहार का वहाँ तक देखेंगे कहाँ कहाँ कठिनाई होती है, क्या क्या सुविधा हम दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि शुद्ध पेय का जल पूरे रास्ते मिले, मिनरल वाटर खरीदने का आवश्यकता ना हो श्रद्धालुओं को, ये हमारा प्रयास। इस बार हम लोग पहले से प्लान किए हुए हैं कि पहले से सारा चीज को दुरुस्त किया जाएगा, पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। और इस बार हम लोग एक महीने के मेला को 2 महीने तक का टारगेट दे रहे हैं कि 2 महीना तक सेवा किया जाएगा। डिपार्टमेंट के लोग भादो में भी रहेंगे, सावन में भी रहेंगे, दोनों महीना रहेंगे, दोनों महीना वॉचफुल रहेंगे और दोनों महीना पानी की व्यवस्था होगी। चापाकल बढ़वा रहे हम लोग, टैंकर बढ़वा रहे, हर चीज जो भी होता है उसको और बढ़ा रहे। भाभी ने अपने देवर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि जब मैं छत पर सो रही थी तभी देवर 2 लोगों के साथ आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मेरी पति की पिटाई कर दी, मैंने हल्ला किया तो आरोपी ने मुझे छत से धक्का दे दिया जिससे मेरे दोनों पैर टूट गए। घायल अवस्था में घोगा पुलिस से शिकायत के लिए गई तो कहा गया कि रेप का यहां केस नहीं होता, मार के लाश गिरा देंगे, जाओ महिला थाने में केस कराना। मामला घोगा क्षेत्र का है। पति को लाठी डंडे से पीटा। पीड़ित महिला ने कहा कि रात 2 बजे मेरा देवर आया था, मेरे पति बीच बचाव के लिए आए तो उन्हें लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, मेरा मुंह बंद कर रखा था, मेरे साथ भी हाथापाई की। मारपीट के दौरान 8 साल की मेरी बेटी भी घायल हो गई। पीड़िता को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। मामले को लेकर कहलगांव SDPO से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन प्राइवेट और सरकारी दोनों नंबर बंद मिला। CTSP राज ने थाना अध्यक्ष अजीत कुमार को FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है। SP ने बताया कि आवेदन के बाद कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण मंडल, टंटनिया मंडल और उनकी भाई तीनों मिलके हमको छत पे रैप किया था 2 बजे रात में और हम हल्ला करने पे जो है कि हमको छत पर से धकेल दिया और गार्जियन लोग सभी उनका भाई बहन सभी मिलके हमको मारा, पैर हाथ तोड़ दिया, मेरा पति का कपाड़ भांग कर एकदम बेहोशी हालत कर दिया। थाना 100 पर डाल, 112 पे थाना आया, सभी मिला जुला भाई थाना थाना सब मिला लिया है दिन भर में। आई हमको थाना में भी पुलिस से मरवाया, मेरा पिताजी को भी मरवाया, आज कोई कार्रवाई ना, हम लोग को धक्के मार के निकाल दिया। जी सर, 2 बजे रात में सोए थे वहाँ पर, वो लोग स्कूटर से आया और जर जबरदस्ती हमको करने लगा, सब तरह से मुंह बंद कर दिया। बस बाद में जैसे उतर के भागा था हम हल्ला किए, कैसे ऐसे हमको घटना किया पति को बताने पर जो है कि पति रात में आए, कल दूसरे दिन आया पति मेरा रात में। क्या नाम है? लक्ष्मण मंडल है, टंटनिया मंडल है, एगो का नाम नहीं मालूम है सर हमको। थाना बोला कि लेडीज का यहाँ रेप केस नहीं होता है, मार के लाश से गिरा देंगे, भागो यहाँ से, जाओ महिला थाना, यही बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी देवी है। कौन थाना का पुलिस बोले? घोगा थाना का बोला सर। कौन? बड़ा बाबू? जी सर, बड़ा बाबू बोला कि नहीं। घायल कौन कौन है? घायल हम है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, राजेश मंडल नाम है। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें जिले के सभी SDM और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह रूटीन बैठक थी, इसमें अधिकारियों को अपने अपने विभाग में किस तरह से काम करना है और किस काम में तेजी लाना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। अभी विभिन्न विभागों के बीच में जो समन्वय विभागों का रिव्यू भी किया गया था, कई विभागों का परफॉर्मेंस था, कई विभागों का
ताकि हम लोग बिहार में साथ ही जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ सभी लोगों को अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के पीरपैती में 1959 में पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित राजवंशी परिवार को भारत सरकार द्वारा आवंटित 11.76 एकड़ जमीन को अंचल कार्यालय पीरपैती द्वारा पुनः 112 भूमिहीनों को प्रति परिवार 3 डिसमिल जमीन की बासगीत पर्चा निर्गत किया गया। वहीं जमीन की बासगीत पर्चा पाए लोग चिन्हित जमीन की घेराबंदी के लिए सरकारी अमीन व मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त राजस्व कर्मचारी मंजीत कुमार के आने के पहले ही पहुंच गए। वहीं इसकी जानकारी शरणार्थियों को हुई तो इन लोगों ने इसकी लिखित जानकारी डीएम को दी। डीएम ने जमीन की पैमाइश पर रोक लगाने का आदेश निर्गत करते हुए एसडीएम कहलगांव को 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। डीएम के आदेश पर पैमाइश का काम रुक गया, लेकिन बासगीत जमीन का पर्चा पाए लोग जमीन खाली करने से इनकार कर दिए। वहीं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता एवं प्रभारी थानाध्यक्ष ने पर्चाधारियों को अपने घर जाने के लिए राजी करने में जुटे रहे, लेकिन पर्चाधारक जमीन खाली कर घर जाने को तैयार नहीं हुए। 5 वर्षों से लगातार हम लोग सरकार से विनय पूर्वक लड़ते आ रहे हैं, जो कि हम लोग को 2023 में दिसंबर में हम लोग को परवाना इशू हुआ, जिसके फरवरी में हम लोग को परवाना मिला। एडीएम साहब आए, एडीएम साहब के आधार से हम लोग को सीओ साहब को आदेश दिए कि आप लोग नापी करके और उस जमीन को चिन्हित करके समेकेती करके इन लोग को बसाया जाए। हम लोगों से एडीएम साहब दरखास्त लिखवाए और सीओ ऑफिस में दरखास्त करके नापी का ऑर्डर निकाले। नापी करके हम लोग को नोटिस मिला, हर घर के 112 को नोटिस मिला। नोटिस के हिसाब से हम लोग जमीन अपना जमीन पर स्थल पे आ चुके हैं। पर्चा मिला, क्या चीज़ का पर्चा? बंदोबंसी के लिए। कितना डिसमिल मिला है? 3 डिसमिल। तो आज क्या आपको नोटिस में क्या दिया गया था? आज नापी के लिए 8 तारीख का क्या और नापी हो रहा है? आज कहाँ है? तो आप लोग प्राधिकारी से बात किए? किया है। क्या बोले? बोला तो कुछ नहीं। अभी भाई आप लोग कब से आए थे यहाँ पे? 8 बजे से बैठे हैं। जब तक नहीं मिलना पी होगा तब तक बैठेंगे।
भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के अम्मापाली गांव में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक बच्चा सत्यम कुमार मंडल के पिता केशव मंडल ने बताया कि कल दोपहर खेलने के लिए गांव के तालाब के समीप गया हुआ था। इसी दौरान तालाब में पैर फिसलने से डूब गया। तालाब से शव बरामद किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भागलपुर के मायगंज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खेलने के चक्कर में गया था पोखर के पास में, पैर फिसलने में वो गिर गए पानी में। गिरने के बाद उनका डेथ हो गया। मैं 12 बजे दिन में कल हुआ था, कल शाम में 4 बजे मिला। 4 बजे शाम में मिला। क्या नाम था बच्चे का? सत्यम कुमार मंडल। उम्र कितना होगा? 7 साल। कौन गांव का मामला है? अम्मापाली पीरपैंती। आप कौन है? उनका पिताजी। क्या नाम है आपका? केशव कुमार मंडल। घर से कितना दूर पे तालाब है? 5 मिनट। घर के बगल में? घर के बगल में। वन महोत्सव के अवसर पर आदर्श मध्य विद्यालय महेशपुर में भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने वृक्षारोपण किया। इस वृक्षारोपण के बाद महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सभी लोग एक पेड़ अपने मां के नाम से अवश्य लगाएं, या फिर अपने परिवार में किसी का यदि जन्मदिवस होता है तो उस अवसर पर भी पेड़ लगाएं और अपने आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। इससे अभी जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और आज हम पेड़ लगाने की शुरुआत किए हैं, आगे सभी वार्डों में हम खुद से जाकर पेड़ लगाएंगे। इस मौके पर महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, नगर निगम के वार्ड पार्षद सरजुग शाह, नंदिकेश सांदिल, पंकज गुप्ता एवं वार्ड 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी सहित स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे। हाँ, ये अभी वन महोत्सव चल रहा है और इस वन महोत्सव के अवसर पर हमने महेशपुर स्कूल को चुना है, आदर्श मध्य विद्यालय महेशपुर को। यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं और लगभग सारे वार्ड में वृक्षारोपण करेंगे। मैं अपील करना चाहूँगी कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम और अपने परिवार में जितने आपके फैमिली मेंबर हैं सबके जन्म दिवस पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें पेड़ लगाने के लिए। और इससे क्या होगा, जलवायु जो परिवर्तन इतना हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग एक कदम बढ़ाए हैं और सबसे अपील करते हैं, यदि सब लोग मिलकर के हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमको नहीं लगता है ये जलवायु परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद गंगापुर गांव में परिवार के ही लोगों ने अपने परिवार को जमीन रजिस्ट्री करने और मारपीट करते हुए लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में शाहबाद गंगापुर गांव के रहने वाली पीड़िता रूबी देवी ने बताया कि 2 कट्ठा जमीन है जिसमें हमारा 1 कट्ठा जमीन का हिस्सा मिला है। उस जमीन को बेचने के लिए लोगों को जमीन दिखाने के लिए ले गए थे, जिसके बाद हमारे गोतिया अजय यादव, आशीष कुमार, अवधेश कुमार, कंचन देवी को पता चला, जिसके बाद सभी लोग एवं 8-10 अज्ञात लोगों के साथ ये लोग घर में घुस गए और जबरन जमीन रजिस्ट्री करने और मारपीट करते हुए चांदी का चैन, चांदी का पायल का लूटपाट करते हुए जान मारने की धमकी दी है, जिसमें हमारे बच्चे और मुझे अर्धनग्न कर मारपीट कर जान मारने की धमकी दी। मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की जाँच में जुट गयी है। जमीन है भी सही मामला। किसका जमीन है? मेरा। कितना जमीन है? 2 कट्ठा है। क्या कर रहा था? नहीं बेचा दूसरा। कौन लोग? आशीष कुमार और अवधेश कुमार। वो लोग कौन है आपका? जाओ था। गोतिया है? हाँ। वो इन्हें बेचने कर रहा है ना। तो क्या किया आपके साथ? मार रहा लगने सब्जी को, सब्जी रंगी ली। किसको किसको मारा? सपनों कुमार और हमारा और बच्चा को सबको। क्या चीज से मारा? रड से। और ये नहीं दिखाया? हाँ। कौन दिखाया? आशीष कुमार। क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? वो हमारा ही ले ली से जमीन को लेकर। हाँ, जमीन ले ली से।